एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे पास ड्यूक 250 और हस्क्वर्ना, और मैं खड़ा हूँ अभी इस टाइम KTM के शोरूम पे, और बात करेंगे KTM के सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक के बारे में, क्योंकि KTM की बाइक शुरू हो जाती है 125cc से लेके 390cc तक, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल KTM की सारी बाइक ऑल यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, और KTM की जो सबसे स्टार्टिंग सीरीज़ वाली बाइक है वो है ड्यूक 125cc, और यहाँ पर जो फिलहाल खड़ा हुआ है यह है 200cc में। अगर हम बात करें 125cc की, तो आप जानते हैं कि वो लगभग आपको 2 लाख के आसपास पड़ जाती है, और उसमें आपको मिलती है 125cc का इंजन। अगर आप परफॉर्मेंस रिलेटेड बाइक चाहिए आपको, तो उसमें थोड़ा जो है परफॉर्मेंस की कमी आपको डेफिनेटली फील होने वाली है, क्योंकि जो एक 125cc का इंजन है वो आपको ऑब्वियसली उतनी ही 12 या 13 PS की पावर आपको देगा। और उसके बाद जो KTM के पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ड्यूक 200। तो अगर आप ड्यूक 200 लेते हैं, जो कि इसका एक्सशोरूम प्राइस है 1,86,298 रुपीज़, तो ऑन रोड पढ़ते पढ़ते लगभग आप में इसमें जो है 30,000 या 25,000 रुपये प्लस हो जाएंगे आपके सिटी में। और उस प्राइस रेंज पे आपको इसमें क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको हैलोजन लाइट मिलती है, आपको LED इस सेटअप इसमें नहीं मिलता है, अगर मैं कंप्लीट LED सेटअप के बारे में बात करूँ। उसके बाद इसमें जो है आपको एग्जॉस्ट भी नहीं मिलता है, जो कि आपको थोड़ा सा अगर आप 250 या फिर 390 पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी ऑफ़र नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ड्यूक 250 का। अब इस बाइक में आपको यहाँ पर फ्रंट में LED सेटअप मिल जाता है, जो कि 390 में भी आपको मिलता है। इसके बाद इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, जो कि आपको 200 या 125cc वाले ड्यूक में नहीं मिलता है। और इसी के साथ इसमें बात करूँ आपको एग्जॉस्ट भी इसमें मिल जाता है। मतलब मैं बात करूँ अगर आप इसके कम्प्लीट डिज़ाइन के बारे में, तो 390 से इसमें बस एक ही डिफरेंस है, वो है इसका TFT डिस्प्ले। इसमें सिर्फ TFT डिस्प्ले नहीं दी जाती है, उसके अलावा इसमें सारी वही चीज़ें हैं डिज़ाइन वाइज जो आपको 390 में ऑफ़र की जाती हैं। और इसके मैं अगर एक्सशोरूम प्राइस के बारे में बात करूं, तो ये आपको 2,29,427 की पड़ जाती है, और बाकी ऑन रोड प्राइस आपके सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो जो आपकी सिटी है वहाँ पर जाकर आप कन्फर्म कर सकते हैं कि ऑन रोड प्राइस का क्या है। अब इसके अलावा इसमें अगर मैं बात करूँ कि वैल्यू फॉर मनी ये क्यों है, तो पहली चीज़ तो इसका LED सेटअप है ही, जो कि आपको 200 में नहीं मिलता है। इसमें आपको मिलता है 250cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 30 PS की पावर 9000 RPM पर, और इसमें आपको मिल जाता है 24 Nm का टॉर्क, जो कि मिलता है 7500 RPM पे। फ्रंट की बात करूँ तो आपको इसमें WPS के सस्पेंशन मिल जाते हैं अप्स एंड डाउन, और रियर में भी आपको WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 17 इंच का एलॉय, और डिस्क की बात करूँ तो डिस्क आपको इसमें सेम ही मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें सारी ही KTM बाइक्स में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है, जो कि फ्रंट 320 Nm की, और रियर की अगर मैं बात करूँ तो इस रियर में आपको मिल जाती है 230 Nm की प्लेट। तो ऐसा कुछ इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। तो इसके अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो इसमें आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और एवरेज की बात करूं तो ये आपको अराउंड दे देगा 30 की एवरेज, अगर आप इसे प्यार से चलाते हैं। और इसके बाद इसके अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो इसमें आपको 824 Nm की सीट हाइट मिल जाती है, और इस बाइक में आपको मिल जाता है 6-speed गेयर बॉक्स, जिसकी हेल्प से ये बाइक चली जाती है 150+। तो आप हाईवे पे इसको 150+ भी लेके जा सकते हैं। और इसके अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है 151 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सीट की बात करूं तो ये इसका जो पोस्चर है वो है अपराइट, जिसकी वजह से आप इसमें इजीली लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं, और अपने पिलियन के साथ भी कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सीट है ये नॉर्मल राइडिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग ही है। आपको RC की तरह यहाँ पर बिल्कुल भी झुक के बैठना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपकी जो राइड है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। आपको इसमें एग्जॉस्ट भी मिल जाता है KTM का, और इसके अलावा इसमें आपको LED प्रोजेक्टर तो मिल ही रहा है। तो इस वजह से मुझे ये कंप्लीट बाइक लगती है वैल्यू फॉर मनी KTM की तरफ से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।